हमने पिछली वीडियो में आपको कक्षा 11 की इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बताया था कि जो इंग्लिश सिलेबस होता वो दो सेक्शन में विभाजित होता, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी में ग्रामर होती है, जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर दी पिछले वीडियो में, और सेक्शन ए में अपनी पढ़ने वाली जो लिटरेचर की बुक होती है, वो टेक्स्ट बुक जो होती है वो होती है प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी और एक लॉन्ग पोएम तुम्हारे यहाँ द लाइट ऑफ एशिया सर एडविन और नॉवल ने लिखी है वो। तो उन चारों बुक के बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे उनके चैप्टर्स के बारे में, कौन कौन से उसमें चैप्टर्स हैं। तो जैसे हम प्रोज की बात करते हैं, पहली बुक तुम्हारी जो मेन बुक है वो प्रोज है, इंग्लिश प्रोज। तो इंग्लिश प्रोज में कौन कौन से चैप्टर हैं? इंग्लिश प्रोज में आपके यहाँ 7 चैप्टर हैं। जो 7 चैप्टर हैं उनको उनका अध्ययन करना है, उन्हें पढ़ना है। उनमें से ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और एक्सप्लेनेशन रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए आएगा। तो जो पार्ट है उनके, जो लेसन है उनके बारे में आज बात करते हैं कि कौन कौन से पार्ट है। जैसे कि पहला लेसन है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, बुगर्टी वाशिंगटन ने लिखा है अपनी कहानी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी कि उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी कठिनाइयों का सामना किया अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। ऐसी दूसरा पार्ट है फॉरगेटिंग, इसे हिंदी में बोलते हैं विस्मृति, यानी जो भुलक्कन पार्ट। इसके बारे में रॉबर्ट हैंड ने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में। इस लेसन का नंबर रहेगा। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं तीसरे चैप्टर की, द एंड एंड दी ग्रास ओवर, एक चींटी और एक टिड्डा। ये दो भाइयों की कहानी है, इसमें चींटी टिड्डा से कोई मतलब नहीं है, दो भाइयों की कहानी है। एक अच्छा पार्ट है ये भी, ये लिखा है W.S. मॉगम ने। तीसरा लेसन द एंड एंड दी ग्रास ओवर, W.S. मॉगम। अब बात करते हैं हम चौथे फोर्थ लेसन की, दी काइट मेकर। काइट मेकर ये प्रोज का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे कह सकते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दी काइट मेकर, जो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, बहुत ही अच्छा पार्ट है होगी। अब फिफ्थ चैप्टर है दी वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विविधता में एकता, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। पंडित नेहरू ने जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, तो दी वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में भारतीय विविधता में एकता के बारे में, अनेकता के एकता, अनेकता में जो एकता है उसके बारे में पंडित नेहरू ने चर्चा की है। बाद में बात करेंगे इस बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षाओं के हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और नंबर 6 ए डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन, सभ्यता पर एक संवाद। ये सभ्यता के बारे में इसमें चर्चा की गई है कि सभ्य होना क्या है, सभ्यता क्या है, इस बारे में इसमें चर्चा की गई है। यह सीएम जॉर्ज ने लिखा है वाला पार्ट, द डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन, सीएम जॉर्ज। अब ये लास्ट चैप्टर है ऑन एन अफ्रीकन रिवर, ऑन एन अफ्रीकन रिवर, डेविड लिविंगस्टोन ने लिखा है। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो करा लेते हैं हमसे भी, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ऊपर बताया गया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सातवां और लास्ट जो चैप्टर है तुम्हारा ऑन एन अफ्रीकन रिवर, डेविड लिविंगस्टोन ने लिखा है। तो ये आपके प्रोज के 7 चैप्टर हो गए। अब पोएट्री के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, इसे अपनी कॉपी में नोट करें और याद रखें।